फ्रॉम ट्यू टू कैबिन। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो पढ़िए, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब हमें कुछ व्यंजक दिया हुआ है, उस व्यंजक को पहचानना हमें कि कौन सा गुणधर्म इसमें जो है उपयोग किया गया है और उस गुणधर्म का हमें नाम बताना है। सिंपल यही करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ऐसा ही लिखा है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। फिर बराबर का साइन लगा दीजिए, फिर 1/3 माइनस ओ इंटू 6 ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट के बाहर 4/3। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो कैसे है, ए गुणा बी गुणा सी, इस प्रकार से इधर भी ए गुणा बी गुणा सी, ठीक है। 1/3 ए है, 6 बी और 4/3 सी, इतना समझ में आ गया। तो मतलब पहले इन दोनों का गुणा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का गुणा हुआ है, ठीक है, उसके बाद इधर इन दोनों का गुणा हुआ है। तो ये कौन सा गुण होता है, ये कौन सा गुण होता है, जल्दी बताइए। तो ये होता है हमारा साहचार्यता गुण। कौन सा गुण? साहचार्यता गुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना समझ में आया, क्या बोलते हैं इसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे सी आएगा, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में? मतलब हमें इस प्रकार से कोई व्यंजक दिया हुआ था, उसका इधर पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, तो ये होता है हमारा सहचार्यता गुण। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही पूछा था कि आपको बताना है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इस जो ये व्यंजक है का अभिकलन करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा गुण है? साहचार्यता गुण, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? इस प्रकार से हम गुण को बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। तो मिलते हैं प्रश्न नंबर 8 में।